नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। गो गांव के रहने वाले ब्राह्मण राजबिहारी चौबे जी को विजय शंकर गुप्ता ने मारपीट की और उनके घर की दीवार को ढहाने का कार्य किया। उसके बावजूद भी अभी तक FIR नहीं हुई, जबकि ट्विटर के माध्यम से DIG ने आपके यहां आदेश दे चुका है, फिर भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी विवेचना करेंगे, उसके बाद पिछले 3 दिनों से यह प्रकरण चल रहा है, लेकिन टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ घर है? वो गाँव है भैया। अच्छा, क्या प्रकरण हुआ? हमारी बाउंड्री विजय शंकर गुप्ता गिरा दी, ऊपर से हमको मार करके हमारा दांत भी बुढ़ा का तोड़ दिए। 62 साल हमारी उम्र है, 42 साल इसकी है जी। काहे के लिए हुआ है ये? जबरदस्ती अपना, ये बाउंड्री बहुत पहले से बनाया हुआ है, जब मैं अपना बनाया तो जबरदस्ती हमारा गिरा करके और हमको मारा सरकार। मौके पर देखने से पता चलेगा कि यहाँ कितना बड़ा अन्याय है। इस प्रकरण में आप पुलिस को अवगत कराए किसी बात? हाँ सरकार, हम अभी अभी थाने पर पहुँच करके एप्लीकेशन दिए और अपना मेडिकल बनवा रहे हैं सरकार। दांत टूट गया आपका? हमारा दांत टूटा है सर, दिखा दिखा। हम लिए हैं सर हाथ में, ये अंदर दिखा, ये टूटा है, फटा है और दांत ही हाथ में लिए है। कहाँ दांत दिखाइए? दांत दिखा रहे हैं सर, ये रहा सर दांत भी दिखाइए, दांत दिखाओ। हाँ, और ग्राम के प्रधान नेता सिंह 2-4 मौजूद भी थे वहाँ आदमी जी। हाँ, जो 2-4 आदमी मौजूद भी थे। क्या क्या नाम था जो जिसने आपको आपके ऊपर प्रहार किया है? विजय शंकर गुप्ता, सन ऑफ हीरालाल गुप्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है, दबंग है वो? हाँ दबंग है, तभी तो हम बुढ़ा आदमी। ठीक है, 96 से मित्र देव की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।